तीन नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा और अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों का अंत हो गया। तो न्याय, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे और नए कानून से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित हो जाएगी, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, आपको बता दें कि इसमें एसएमएस यानी कि मोबाइल फ़ोन पर संदेश के जरिए भी समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया है और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ही इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने के प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, दंडनीय कार्यवाही की प्राथमिकता दी गई थी, अपने हिसाब से उन्होंने प्राथमिकता दी थी। नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल होगा और सभी तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराना भी अनिवार्य किया जाएगा। खासतौर पे महिलाओं और बच्चों के लिए जो कानून है उसे प्राथमिकता दी गई है। बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध की श्रेणी में होगा। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान सजा में जोड़ा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया है और उन्हें सरलीकृत किया गया है और भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं में के मुकाबले अब इसमें केवल 358 धाराएं होंगी। आपको बता दें कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने यानी कि मॉब लिंचिंग, झपटमारी आदि मामले भी इसमें दर्ज किए गए हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। ये भी जानकारी आ रही है कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने से प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र यानी उसके जुडिशियल क्षेत्र में ना हुआ हो। और इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने से होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानून से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा, कानूनी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा गिरफ्तार विवरण पुलिस थाना और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और दोस्त महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। इस नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराधों में जांच की प्राथमिकता दी गई है, जिसे मामला दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर ही जांच पूरी की जाएगी। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। नए कानून में सभी राज्य सरकार के लिए गवाहों की सुरक्षा योजना भी लागू करना अनिवार्य होगा, ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित की जा सके, कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाया जाए। अब आपको बता दें कि लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल हो गए हैं, जिससे कि समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिले, पीड़ितों को अधिक सुरक्षा देने और दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जाँच में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए
पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा। महिलाओं 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोग और 60 वर्ष की आयु से अधिक लोगों या फिर दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से भी छूट दी जाएगी और वो अपने ही स्थान से अपने निवास स्थान से ही पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकेंगे, पुलिस उन तक पहुंचेगी। तो ये नए कानून की बड़ी बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं और आज से ये पूरे देश में लागू हो गया है और पहला मामला मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत दर्ज भी कर लिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।